गुरुग्राम में एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और हादसा बिलासपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में हुआ है। ऑटो पार्ट बनाने वाली एक फैक्ट्री आग की लपटों में गिर चुकी है। दमकल की 24 गाड़ियां जहां 24 गाड़ियां मौके पर मौजूद हैं और आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। आग की तीव्रता भयावहता को आप समझ सकते हैं इन तस्वीरों के माध्यम से। और दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर पहुंची हैं। फायर टेंडर्स की बात कर लें, गुरुग्राम बिलासपुर इंडस्ट्रियल एरिया में आग से हड़कंप, 24 गाड़ियां दमकल विभाग की मौके पर पहुंची हैं कि आग पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके। और ये आग की इतनी भयावह लपटें हैं कि कई किलोमीटर दूर से ही देखी जा सकती है आसमान को छूते हुए। ये काले धुएं का गुब्बार और आग की लपटें, गुरुग्राम की एक फैक्ट्री में ये भीषण आग। देखिए जरा तस्वीर, गुरुग्राम की इसी फैक्ट्री में भीषण आग। दो तस्वीरों को आपके सामने रख रहे हैं। एक तरफ आग की लपटें आसमान छूती हुई नजर आ रही हैं, एक काले धुएं का गुब्बार, दूसरी तरफ फायर टेंडर्स मौके पर पहुंचे हुए जो आग बुझाने की कोशिशें लगातार कर रहे हैं। 24 गाड़ियां दमकल विभाग की पहुंची हैं इस आग पर काबू पाने के। और वहीं प्रशासनिक टीम की बात करें, सभी पहुंचे हुए मौके पर, अधिकारी पहुंचे हुए हैं, लेकिन नुकसान की खबर है। और ये आग आपको बता दें रात में लगी हुई, जिसकी कोशिशें सुबह तक, ये कोशिश जारी है, इसकी भयावहता तीव्रता को आप समझ सकते हैं। लेकिन आग किस प्रकार से लगी, शॉर्ट सर्किट वजह है या फिर कुछ और, अभी इसके कारणों का अभी खुलासा जांच जा रही है। तो गुरुग्राम से ये खबर है जहां फैक्ट्री में भीषण आग लग गई और हादसा आपको बता दें बिलासपुर के इंडस्ट्रियल एरिया की है जहां ऑटो पार्ट बनाने वाली ये फैक्ट्री है। इसमें ऑटो पार्ट्स बनते थे और यही फैक्ट्री लपटों में गिर गई। अब दमकल की 24 गाड़ियां मौके पर हैं जो कि आग बुझाने की कोशिश कर रही है।